तो गाइस यहाँ पर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या रास्ते होते हैं, इसके बाद आप क्या कर सकते हो अपने फेसबुक आईडी में दोबारा लॉगिन करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, वो अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं और उनका फेसबुक आईडी उनके एप्लीकेशन से लॉग आउट भी हो जाता है। तो ऐसे में जब आप बाद में अपने आईडी को लॉगिन करने की कोशिश करते हो, सबसे पहले आपसे आपका पासवर्ड मांगा जाता है। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे, आखिर किस तरीके से आप पासवर्ड भूलने के बाद अपने फेसबुक आईडी में लॉगिन कर सकते हो, काफ़ी बेसिक से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल जाते हो तो सबसे पहले यही आपको करना है, आप जो पासवर्ड भूल गए हो आपको अपने पुराने पासवर्ड को ही पता करना होगा। तो किस तरीके से पता करना है पुराना पासवर्ड, वो आप देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने गूगल के ऐप को ओपन करना है, देन यहाँ पर अपने आपको उसी जीमेल से यहाँ पर लॉगिन करना है जो जीमेल आपने मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। यहाँ पर उस अकाउंट पर स्विच करने के बाद आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको आ जाता है, देन यहाँ पर स्लाइड आप करोगे, देन आपको सिक्योरिटी वाला ऑप्शन चौथे नंबर पर दिखेगा, यहाँ पर आपको जाना है। उसके बाद आपको पूरा नीचे आ जाना है, पूरा नीचे आने के बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड मैनेजर का, ये वाला ऑप्शन। तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करते ही गूगल यहाँ पर जितने सारे आपके अकाउंट के पासवर्ड यहाँ पर सेव करके रखा है वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे फेसबुक का भी आपको दिखेगा, सभी वेबसाइट सभी एप्लीकेशन का आप देख सकते हो। तो मैं फेसबुक का बात करना तो आपको फेसबुक पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन लॉक को सबसे पहले कंफर्म कराना है। उसके बाद आप देख पाओगे आपके फेसबुक आईडी का जो नंबर होगा वो आपको दिखेगा, उसके बाद पासवर्ड आपको डॉट डॉट में दिखेगा। उसके बाद आपको एक इस तरीके का आगे आइकन देखने को मिलेगा, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आप अपना पासवर्ड देख सकते हो, बहुत आसानी के साथ आपका पासवर्ड यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये सबसे पहला तरीका है जिससे कि आपने भूले हुए पासवर्ड के पता कर सकते हो। अगर यहाँ से आपका पासवर्ड पता चल जाता है तो सही है, अगर यहाँ पर आपका पासवर्ड आपका नहीं मिलता है, ये इससे आपका काम नहीं होता है, तो अब आपको आगे क्या करना होगा। अब यहाँ पर दूसरे प्रोसेस में आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आपका फेसबुक का ऐप ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको फॉरगेटन पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको अपने फेसबुक आईडी को सर्च करना होगा। तो अगर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर याद है तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना डाल देना, अगर मोबाइल नंबर आपको नहीं याद है देन आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सर्च बाई ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपना नाम अब डाल देना है, ईमेल एड्रेस की जगह पर आपको अपने आईडी का नाम डालकर यहाँ पर सर्च करना है। अब जैसे ही आप नाम डालकर सर्च करोगे कई सारे सर्च रिजल्ट में आपको अकाउंट देखने को मिलते हैं, देन इसी सर्च रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो आपका भी अकाउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको अपने अकाउंट को चूज कर उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आपका अकाउंट इस तरीके से ओपन होता है ट्राई अनदर वे पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो आपके नंबर या फिर जीमेल पर ओटीपी मंगाकर अपने आईडी को रिकवर कर सकते हो। ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर जो नंबर आपके फेसबुक अकाउंट में लगा हुआ है वो नंबर आपके पास है, वो जीमेल आपके पास है, देन आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। सिंपल आपको उस ओटीपी कोड को यहाँ पर डाल देना, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे, देन आपको अपने पासवर्ड को चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, अपने पासवर्ड को चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये भी दिक्कत होगा कि उनको यहाँ पर उनका नंबर ही बंद है, जो यहाँ पर नंबर लगा हुआ है वो नंबर ही बंद है, या फिर किसी हैकर ने या फिर किसी ने भी उनके नंबर को चेंज कर दिया है। तो अब इस केस में आपको क्या करना होगा, क्योंकि नंबर बंद है तो आपका नंबर पर ओटीपी आने वाला नहीं है, तो ऐसे में आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर आपका नंबर बंद हो चुका है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद आपको आ जाना है facebook.com पर। यहाँ पर जैसे ही facebook.com ओपन होता है यहाँ पर वो क्लिक करता है फॉरगेटन पासवर्ड पर, जो आपको फॉरगेटन पासवर्ड ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही फिर से आपको अपने आईडी को सर्च करना है बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल इस तरीके अपना नंबर या फिर अपना नाम डालकर सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने आईडी को चूज़ करना है। यहाँ पर चूज़ करते ही आप देखोगे यहाँ पर आपको एक दूसरा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि होगा नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस, जो कि आपके फेसबुक ऐप पे देखने को नहीं मिल रहा था यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको क्रोम ब्राउजर में आने के बाद नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे और इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है, आप देख रहे हो यहाँ पर स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है, अपलोड आईडी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना एक गवर्नमेंट आईडी यहाँ पर अपलोड करना होगा, देन आपका आईडी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डाल देना, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड या कुछ भी जो भी आपके पास आपका गवर्नमेंट आईडी हो उसे आपको यहाँ पर सबमिट करना है, देन यहाँ पर आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। आपका ये जो गवर्नमेंट आईडी है वो फेसबुक टीम के पास सेंड हो जाएगा, देन आपके जीमेल पर यहाँ पर एक जीमेल भी आपसे मांगा जाएगा, उस जीमेल पर आपको आगे वाला टाइम मैसेज आ जाएगा कि आपका आईडी रिकॉर्ड हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर यहाँ पर आपने जो गवर्नमेंट आईडी यहाँ पर सबमिट करी होगी वो गवर्नमेंट आईडी अगर मैच हो जाती है आपके अकाउंट से, कुछ भी उसका मैच हो जाता है, देन आपके नए जीमेल पर आपके अकाउंट के पासवर्ड चेंज करने का लिंक आ जाएगा। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे सिंपल आप अपने अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर पाओगे। तो गाइस यही कुछ ऐसे स्टेप थे, अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हो इन्हीं सब स्टेप को आपको फॉलो करना होगा अपने आईडी में दोबारा से लॉगिन करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपके मन में वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी का अगर इस वीडियो को थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।